केरालिन ऑइंटमेंट्स, केरालिन ऑइंटमेंट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों तक यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन डल गए और किस पर काम करता है, और ये स्किन ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्किन ऑइंटमेंट्स को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन करना चाहिए, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। तो केरालिन ऑइंटमेंट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बन रही, चैनल भी वीडियो पर पहली बार विजिट की या आप अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं केरालिन ऑइंटमेंट जो कि हमारे पास 15 ग्राम का ऑइंटमेंट से, जिसकी एमआरपी की बात करें उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास ऑइंटमेंट है उसकी एमआरपी 120। केरालिन ऑइंटमेंट्स को ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। केरालिन ऑइंटमेंट्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें उसके अंदर कंपोजिशन से बेंजोइक एसिड्स, सैलिसिलिक एसिड्स एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिड स्किन ऑइंटमेंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। केरालिन ऑइंटमेंट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके फॉर्मेशंस की बात करें तो उसके अंदर जो बेंजोइक एसिड्स है वो 12% वेट बाय वेट्स प्लस हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिड्स 0.5% वेट बाय वेट्स प्लस सैलिसिलिक एसिड 6% वेट बाय वेट्स इसके अंदर डाले गए हैं। केरालिन ऑइंटमेंट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल केरालिन ऑइंटमेंट्स एक फंगिसाइडल्स एंड केराटोलाइटिक्स स्किन ऑइंटमेंट्स है। केरालिन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है सोरियासिस में। सोरियासिस एक त्वचा की समस्या है जिसमें त्वचा की कोशिका जमा हो जाती है और पपड़ी और सूखी धब्बे बन जाती है जिनमें खुजली और दर्द होता है। केरालिन ऑइंटमेंट्स लगाने से सोरियासिस के साथ साथ इससे जुड़े दर्द, लालिमा, सूजन या जलन जैसे अन्य लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। यह त्वचा को मॉइस्चराइज भी करता है और उसे मुलायम बनाता है। केरालिन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल सोरियासिस के इलाज करने के लिए ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह त्वचा की मृत कोशिका को हटाता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। यह त्वचा लाल होना, सूजन और खुजली जैसी सूजन के लक्षणों को भी कम करता है। केरालिन ऑइंटमेंट्स ट्रीटमेंट करता है सोरियासिस में। केरालिन ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने का तरीका बताएं तो केरालिन ऑइंटमेंट्स को केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे, यानी कि आपके जहाँ पे सोरियासिस वगैरह हुआ है उसी एरिया पे लगाएं, सब जगह इसको न लगाएं। यानी कि ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल केवल अपने अफेक्टेड एरिया पे इसका इस्तेमाल करें, और ये ऑइंटमेंट्स को लगाने से पहले अपने अफेक्टेड एरिया को धोएं और सुखाने के बाद ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल आप ट्वाइस ए डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। केरालिन ऑइंटमेंट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है इस्तेमाल वाली जगह पे रिएक्शन होना, यानी कि जलन वगैरह होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं। तो केरालिन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। केरालिन ऑइंटमेंट्स किस प्रकार काम करता है? केरालिन ऑइंटमेंट्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है यानी कि बेंजोइक एसिड्स, हाइड्रोकॉर्टिसोन और सैलिसिलिक एसिड रहता है। बेंजोइक एसिड्स एक एंटीसेप्टिक से, हाइड्रोकॉर्टिसोन एक स्टेरॉइड से जो उन केमिकल मैसेंजर्स प्रोस्टाग्लैंडिंस को बनने से रोकता है जिनकी वजह से त्वचा में लालिमा, सूजन और खुजली की समस्या होती है। सैलिसिलिक एसिड्स एक केराटोलिटिक्स मेडिसिन से जो केराटिन क्लैंप को तोड़ता है और मृत कोशिका को हटाता है और त्वचा को नरम बनाता है। यह त्वचा में हाइड्रोकॉर्टिसोन के अवशोषण को भी बढ़ाता है। केरालिन ऑइंटमेंट्स को यूज़ करने के पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटिक्स डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से केरालिन स्किन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो केरालिन ऑइंटमेंट्स के बारे में कुछ भी डाउट हो मेरे कमेंट सेक्शन बताइए। केरालिन ऑइंटमेंट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज के लिए था। कोई भी ऑइंटमेंट्स या स्किन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।